गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम सुनेंगे तुलसी साहिब की एक बहुत ही प्यारी साखी, संत का असली स्वरूप। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारी साध संगत जी, तुलसी साहिब महाराष्ट्र के इलाके पूना और सतारा के युवराज थे। युवावस्था में ही उन्हें पता चल गया था कि उनके पिताजी राजपाट त्यागना चाहते हैं और राज्य की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर पड़ने वाली है। तुलसी साहिब के मन में प्रभु का गहरा प्रेम था। आप अपना सारा जीवन परमात्मा रूपी प्रियतम के चरण कमलों में बिताना चाहते थे, इसलिए आप रात्रि के अंधकार में चुपके से महलों से बाहर निकल गए। तुलसी साहिब के घर से चोरी चोरी चले जाने के बाद आपके जीवन के बारे में कुछ अधिक पता नहीं चलता। कई वर्ष बाद आपने उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में अपना ठिकाना बनाया। यहाँ आपने संत मत का प्रचार करना शुरू कर दिया। एक दिन एक महिला ने तुलसी साहिब से कहा कि आपने अपनी शब्दावली में लिखा है, रहूं री विदेह देह दर्शाऊं, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। महिला ने कहा कि आप तो साक्षात देह स्वरूप में खड़े हैं, फिर आप विदेह कैसे हो गए? तुलसी साहिब ने उत्तर दिया कि अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है तो तू मुझे पकड़ के दिखा। उस महिला ने बार बार तुलसी साहिब को अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, पर वह उनको पकड़ न सकी। प्यारी साध संगत जी, तुलसी साहिब ने कहा, अरे माया की दासी, तू क्या जाने संतों की गति। प्यारी साध संगत जी, गुरु तेग बहादुर जी भी कहते हैं, जो प्राणी निस्दिन भजे रूप राम तिह जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। प्यारी साध संगत जी, आज की यह साखी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही प्यारी प्यारी साखियां हर रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।